नमस्कार, आपका स्वागत है सबकी खबर एक नजर में। छछर में मंगलवार को दिल्ली रोड स्थित रासलवाला चौक धरना स्थल पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की एक बैठक जिला अध्यक्ष जितेंद्र धनखड़ उर्फ बबला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के महासचिव अशोक बलहारा विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में 18 फरवरी को आयोजित बलिदान दिवस को लेकर चर्चा की गई। 18 फरवरी को मनाए जाने वाले बलिदान दिवस के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष बबला ने बताया कि बलिदान दिवस के अवसर पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसपाल मलिक विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक का भी आभार जताया गया। उपस्थित लोगों ने कहा है कि यशपाल मलिक के कारण ही सरकार जाट समाज की सभी मांगों को मानने को तैयार हुई है, जिसके लिए जाट समाज यशपाल मलिक का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जिसमें कादन खाप से भाई बिल्लू प्रधान जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव अशोक बलहारा के यहाँ करके कमेटी को संबोधित किया और किस तरह हमारी 11 तारीख को दिल्ली में हरियाणा भवन में मीटिंग हुई उसके बारे में क्या किस तरह हमारी सरकार ने मांग मानी उनके बारे में पूरे जद जिले को अवगत करा गए हैं। और आपने देखा ही होगा कितने चाव में पूरा जिला जर्जर ट्रैक्टरों की लिखवा रहा है। और जिस तरह जो 15 तारीख को जो हमारा वहाँ जींद में पहुँचने का निर्णय लिया था, इन सरकार की मांगों पर हमारा कोई निजी विरोध नहीं था। हमारे समाज की जो 6 मांगे थी इनको जल्दी से जल्दी बच्चों के मुकदमे खारिज किए जाए और इनको जेलों से बाहर झूठे मुकदमे जो लगा रखे हैं सभी खारिज किया जाए। और हरियाणा प्रदेश के और केंद्र सरकार के आरक्षण के बारे में थी और जो हमारे जो धरनों पर साथ दी थी जो हमारे धरने लगे थे उनमें नौकरियां बची थी, जो घायलों को मुआवजा नहीं दिया था उनके बारे में सरकार से 6 घंटा वार्ता चली और उसमें समझौता हुआ कि सरकार 31 मार्च तक सभी समझौतों पर पूरा करेगी और नहीं तो इसके लिए हमारा जिला जर्जर सरकार के प्रति और इस विरोध के प्रति खड़ा रहेगा। 31 मार्च तक सरकार ने खाप बबला ने बताया कि 18 फरवरी को आयोजित बलिदान दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में 36 बिरादरी के लोग शिरकत करेंगे। बैठक में खाद्यान्न खाप के प्रधान बिल्लू पहलवान के सहित अन्य भी मौजूद रहे। देश में अपनी जान दी थी, देश के ऊपर बॉर्डर पर जान दी थी, उन सभी के लिए हम यहाँ 18 फरवरी को बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। उसमें तमाम जिलों से आए हुए सभी गाँववासियों ने तय दिल से मदद करने का सहयोग करने का पूरा साथ देने की बातें कही हैं ताकि हम उन परिवारों का भी यहाँ सम्मान करेंगे। और जो भी अगर सरकार हमारी भारत तक मांगे नहीं मानती उसके लिए राष्ट्रीय महासचिव जी आकर के हमारे को संबोधित करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। सभी छत्तीस बरादरी की माताओं बहनों से भी हम विनती करते हैं और जिस तरह पहले बलिदान दिवस पर लाखों की हाजिरी थी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ लाखों से ज्यादा हाजिरी यहाँ होगी और हम अपना शांति प्रिय अपने। ताज़ा खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।